भिलाई 3 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा भिलाई चरोदा क्षेत्र में आयुष्मान पखवाड़ा अंतर्गत जन जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदित्य नारायण शर्मा, नायब तहसीलदार चंद्रशेखर कंवर व वार्ड पार्षद प्रेमलता चंद्रकार, आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नितिन कश्यप, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के बीटी ईटीओ सैयद असलम शामिल रहे। आयुष्मान पखवाड़ा अंतर्गत नए हितग्राहियों जिनका पंजीयन नहीं हुआ है उनका पंजीयन कर नए कार्ड बनाए जाएंगे। जिनके कार्ड बन चुके हैं उनको डिजिटल कार्ड वितरण किया जाएगा। बीईटीओ सैयद असलम ने बताया कि आयुष्मान कार्ड की किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं किन किन अस्पतालों में ले सकते हैं, कितने राशि तक इलाज होगा और प्राइवेट, निजी और शासकीय अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड की विशेषता से संबंधित सभी इलाज निःशुल्क कराने संबंधित जानकारियां साझा की। रैली में आयुष्मान से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकसित होता भारत, आयुष्मान भारत से विकसित भारत की मजबूत आधारशिला, आयुष हो रहा भारत जैसे नारे लगाकर मितानिनों ने वार्ड भ्रमण किया। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा भिलाई खंड विस्तार प्रशिक्षक अधिकारी सैयद असलम ने बताया कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि सरकार हर वार्ड में आयुष्मान कार्ड बनाने शिविर आयोजित कर अपना कुछ समय निकालकर स्वास्थ्य के लिए योजनाएं संबंधित आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाकर सुरक्षित रखें। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा बनाने के भारत सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसके कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा, नोडल एजेंसी संचालित स्वास्थ्य सेवा द्वारा सभी आयुक्त को और जिला कलेक्टरों को इसके निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जिले के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आयुष्मान से संबंधित निबंध प्रतियोगिता शाला स्कूल में कराई जा रही है, रैली कराई जा रही है, जागरूकता रैली कराई जा रही है। आयुष्मान कार्ड से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आयुष्मान कार्ड में जो सेवाएं शासन के द्वारा दी जा रही है सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, किस तरीके से उन अस्पतालों का लाभ हम उठा सकते हैं हितग्राही, इसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य विभाग जिन लोगों के कार्ड नहीं बने उन लोगों के नवीन पंजीयन कर रहे हैं और जिन लोगों के कार्ड बन गए हैं उनको डिजिटल कार्ड वितरण कर रहे हैं। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें इसके लिए जन जागरूकता रैली कर रहे हैं। इसमें जनता से भी अपील है, अब इसमें 70 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को भी जोड़ दिया गया है ताकि अपने हर घर के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बना लें। वक्त ज़रूरत जब भी कोई घर का आदमी बीमार हो तो ऐसा होता है जब कार्ड नहीं रहता तो फिर वो उसके भुगतान के लिए परेशान होते हैं। तो अब इन कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए राशि तक का इलाज किया जाना है तो उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसलिए इस शिविरों के माध्यम से हर वार्ड में शिविर भी लगाए जा रहे हैं, निगम के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, मितानी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ताकि लोग हर व्यक्ति आसानी से सरलता से अपने कार्ड को बना लें। इस मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के अधिकारी कर्मचारियों सहित मितानीन यहां पर बड़ी संख्या में शामिल रही और कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। एसीएन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।